हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वी फोर वीडियोस। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑनलाइन मिलने वाले इस यूएसबी फैन के बारे में, जिसकी कीमत 250 रुपए से 400 रुपए के बीच में होती है। मैं सब कुछ चेक करके दिखाऊंगा कि ये वाकई में कूलिंग करता है या नहीं, वो भी पूरे प्रूफ के साथ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास थर्मामीटर जिसकी मदद से मैं इसके एयर का टेम्परेचर भी चेक करके दिखा सकता हूँ। तो अगर बात की जाए इस फैन की, तो आपको ओपन मार्केट में भी मिल जाएगा 250 रुपए में, अगर आप लोग पैसे कम करा पाएँ। और ये चलता किससे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चलता है यूएसबी केबल और साथ में 3AA चार्जिंग बैटरी से। अगर आपके घर में पावर बैंक है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आप लोग लाइट जाने के बाद इसे घंटों तक यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर बैंक की क्षमता के अनुसार। कुछ इस तरीके से, अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके घर में है डबल चार्ज की बैटरी, उनका भंडार लगा पड़ा है तो चलाइए, लेकिन ख़त्म हो जाएंगी, फिर से पैसा लगाना पड़ेगा। इससे बढ़िया यही है कि अगर आपके पास है डबल चार्ज की रिचार्जेबल बैटरी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। बैटरी को रिचार्ज करिए और चलाइए। रिचार्जेबल बैटरी का फ़ायदा यही है कि आपको बार बार ख़त्म होने की कोई चिंता नहीं है और अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसकी रेंज कितनी है। तो जब ये अपनी फुल पावर पे चल रहा होगा, यानी जब आपका पावर बैंक फुल चार्ज होगा या फिर आपकी बैटरीज फुल चार्ज होंगी, तो ये लगभग 1 मीटर तक की हवा फेंक सकता है। यानी कि आप लोग 1 मीटर की दूरी से इसकी हवा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जितने पास जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इसके एयर थ्रो को समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक A4 साइज़ के पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि एक A4 साइज़ के पेपर को तो ये आसानी से हवा में उठाए दे रहा है, लेकिन जब भी हम यहाँ पे 2 A4 साइज़ के पेपर लगा रहे हैं तो ये पेपर को नहीं उठा पा रहा है। एक और आसान सा तरीका है इसके एयर फ्लो को समझने का, आप अपने हाथ को अपने मुंह के पास लाइए और जितनी ताकत से हो सकता है उतनी ताकत से फूकिए, तो लगभग इतना ही या फिर इससे हल्का सा ज़्यादा इसका एयर फ्लो है। आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया अभी मिल गया होगा। तो अभी हम लोग करेंगे इसका कूलिंग टेस्ट। इसमें मैंने 20 मिनट पहले ही बर्फ भर के चला दिया था, ताकि हमें एकदम सही सही अंदाज़ा लग सके इसके ठंडे वाले तापमान का। यहाँ पे बर्फ है, बर्फ पिघल भी चुकी है, 20 मिनट कूलर भी चल भी चुका है। मैं इसके ऊपर के टुकड़े हटा ही देता हूँ ताकि और भी ज़्यादा इवेपोरेशन हो। तो इसे मैंने नीचे लगा दिया है। चलिए अपना थर्मामीटर ढूंढ के लाते हैं और इसके हवा का तापमान नापते हैं कि बर्फ लगाने के बाद कितनी हवा में गिरावट आई। तो अभी तो तापमान है 30.8 डिग्री सेल्सियस रूम का। इसे ऑन करते हैं और कम से कम नहीं तो 5 मिनट इसे यहीं पर रोक के रखते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट बाद यहाँ पे तापमान हो गया 30.4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0.4 की गिरावट, जो कि आप हवा भी मुंह से भी फूंक देना तो भी हो जाएगा। 0.4 मतलब कुछ भी नहीं, ना के बराबर। और यहाँ पे बर्फ रखने की वजह से पूरा कूलर ही ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या पता पूरे कूलर के ठंडे हो जाने की वजह से 0.4 की गिरावट आई हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, पता नहीं 0.4 की गिरावट क्यों आ गई। अभी हम लोग इसके बिना बर्फ को चला के देखेंगे, ठीक है। तो बिना बर्फ के 5 मिनट हो चुका है मुझे बर्फ को निकाले हुए, ताकि कूलर अपने फिर से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और अभी हम लोग इसका तापमान नापना स्टार्ट करते हैं बिना बर्फ के, तो देखते हैं कितना होता है। ओह माय गॉड, तो यहाँ पे एकदम चौंकाने वाली बात सामने आई है कि बिना बर्फ के भी 30.4 तापमान देखने को मिला। भाई ये तो कोई घपला है, ये हवा ही 30.4 की फेंक रहा है, जो कि रूम टेम्परेचर से 4 कम है। यहाँ पे साफ साफ दिखा भी हुआ है ये मिनी फैन है, ना कि मिनी कूलर। और थोड़ा भड़काने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है मिनी परफ्यूम एयर कंडीशनर। अब पता नहीं भाई, है तो ये केवल फैन, अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये एयर कूलर है तो फिर भाई घपला है, आपको झूठ बोल के बेचा जा रहा है। तो बात करी जाए कंक्लूजन की, तो अगर आपको इससे केवल हवा खानी है तो आप लोग इसे ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन अगर आपको इसे ठंडी हवा खानी है तो इसे भूल जाइए। आपने अपनी आंखों से खुद देखा थर्मामीटर में रीडिंग
कि इसमें बर्फ भरने और ना भरने का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो बस एक उल्लू बनाने की चीज़ है। तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, उसके बदले में एक लाइक मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे।